काफ़ी आक्रोशित होने लगे हैं, काफ़ी देखिए लाठी चार्ज, सीधे तौर पे लाठी चार्ज आपको दिखा किस तरह से, ये देखिए किस तरह से जो है, देखिए जो राजू दानवीर हैं युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे किस तरह से लाठी चार्ज हुई वो आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो है लगातार जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है। और कहा गया कि इस मौके पर आप यहाँ देखिए लाठी चार्ज करके तमाम कार्यकर्ता समर्थक को यहाँ से खदेड़ दिया गया है, ताकि जो लोग गांधी मैदान थाना के बाहर कई देर से मौजूद थे उनको यहाँ से पुलिसिया कार्रवाई की गई। देखिए किस तरह से, देखिए ये देखिए लगातार जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है, और सीधे तौर पर जो है सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजू दानवीर थे जो युवा परिषद के जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन पे पूरी तरह से जो है लाठियां बरसाई गई हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। ये देखिए ये साफ दिख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, जिस तरह से लाठियों से मारकर प्रशासन ने आवाज़ को दबाने का काम किया है, ये साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। और सबसे बड़ी बात है कि शासन प्रशासन ये दोनों का मिली भगत से हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी को फर्जी केस करके, पहले ही दो केस तो फर्जी हो चुकी थी जो सारे मीडिया चैनलों में चल रही थी, और इस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन का हवाला देते हुए झूठ मूठ इनको बुलाया गया, पहले हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर थाना में साइन करने के लिए बुलाया गया, और वहीं पर फिर अरेस्ट कर लिया गया, फिर बहाना किया गया कि ये केस है वो केस है। तो ऐसे स्पष्ट रूप से हम कह देना चाहते हैं कि जो गरीबों की आवाज़ थी, बिहार की आवाज़ थी, गरीबों के मसीहा थे आदरणीय पप्पू यादव जी, उनका आप आवाज़ दबा नहीं सकते हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो 40 एम्बुलेंस चोर का उद्भेदन किए, गरीबों में ऑक्सीजन बांटे, गरीबों में दवाई बांटे, गरीबों के लिए बेड की व्यवस्था की, निजी अस्पतालों की जो मनमानी चल रही थी उसको उन्होंने रोका। तो यही गलती है कि उन्होंने सरकार के जो कमियां है उसको जनता के बीच गिनाया और उसको दूर किया, यही उनसे गलती हुई है, और उसी का सबक आज ये सरकार जो है शासन प्रशासन मिलकर दे रही है, और इसका पूरी बिहार ही नहीं पूरा भारत के हर वो जनप्रतिनिधि और हर वो नागरिक इसकी निंदा कर रहे हैं और बुरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, और हम और हमारी पार्टी और साथ में बिहार की पूरी आवाम आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ है, और वो मांग करती है कि अविलंब इनको रिहा किया जाए, अन्यथा दुनिया में ये तो पहले ही किड़किड़ी हो चुकी है सरकार की कि जो सेवक है उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और जो चोर है उसे बचाया जा रहा है, उस पर एम्बुलेंस चोर पर हत्या का केस होना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए, और उसमें जितनी भी अधिकारी संलिप्त हैं उस सभी पर केस होना चाहिए।